वक्त की बड़ी खबर, राजधानी भोपाल से गैंगस्टर विकास दुबे का एमपी से कनेक्शन सामने आया है। एमपी पुलिस को 15 बदमाशों पर शक है। यूपी के जेलों में विकास के साथ ये बदमाश बंद थे। एमपी पुलिस ने यूपी एसटीएफ से साझा की है ये जानकारी। ग्वालियर चंबल अंचल के हैं ये बदमाश। विकास को लेकर हाई अलर्ट पर है एमपी पुलिस। बदमाशों से विकास के कनेक्शन तलाश रही है ये पुलिस। शहडोल के बुढ़ार में भी कल यूपी एसटीएफ ने दबिश दी थी, विकास के साले को हिरासत में लिया था। तो गैंगस्टर विकास दुबे का एमपी से कनेक्शन अब सामने आया है। एमपी पुलिस को 15 बदमाशों पर शक है। यूपी के जेलों में विकास के साथ ही बदमाश बंद थे। एमपी पुलिस ने यूपी एसटीएफ से यह जानकारी भी साझा कर दी है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल के बदमाश हैं। विकास को लेकर एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बदमाशों से विकास के कनेक्शन तलाश रही है पुलिस। तो शहडोल के बुढ़ार में कल यूपी एसटीएफ ने दबिश दी थी और विकास दुबे के साले को हिरासत में लिया था। तो गुर्गे लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो गैंगस्टर विकास दुबे का एमपी से क्या कनेक्शन हो, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, 5 राज्यों में गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश चल रही है, जिसमें एमपी भी शामिल है। अब खबर यह है कि एमपी के 15 बदमाशों पर पुलिस को शक है, और ये है जानकारी, ये निकलकर सामने आ रही है कि मुख्य जानकारी ये बदमाश 15 बदमाश दे सकते हैं विकास के बारे में। जी हाँ, देखिए एक बड़ी खबर ये मिली है कि विकास दुबे जो गैंगस्टर है यूपी का, जो पुलिस वालों का हत्यारा है, उसका मध्य प्रदेश कनेक्शन निकला है। मध्य प्रदेश के करीब 15 बदमाश ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो यूपी में विकास दुबे के साथ जेल में बंद थे। उनके बीच में गहरी मित्रता थी, गहरी दोस्ती हो चुकी थी, और विकास दुबे ने उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने का न्योता भी दिया था, कहा था कि उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। ऐसे करीब 15 बदमाशों को मध्य प्रदेश पुलिस ने चिन्हित किया है जो यूपी जेल में बंद थे। इसके बाद से यूपी जो एसटीएफ है वो अलर्ट हो गई है और उन्होंने मध्य प्रदेश में डेरा डाल दिया है और मध्य प्रदेश के उन 15 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी एसटीएफ को शक है कि ये 15 जो बदमाश हैं, इन्हीं से कोई कनेक्शन विकास दुबे का तलाश में निकल सकता है, क्योंकि छुपने के लिए उसने चंबल के बिहोड़ों का सहारा लिया होगा और इन बदमाशों ने उसकी छुपने में मदद की होगी। इस तरह का शक है यूपी एसटीएफ को। इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि 15 बदमाश ऐसे हैं जो विकास दुबे के संपर्क में थे। इन 15 बदमाशों की तलाश की जा रही है। यूपी एसटीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस मिलकर इन बदमाशों की तलाश कर रही है, और ये सभी बदमाश ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र के बदमाश हैं, और इनकी भी तलाश की जा रही है। तो अब इससे पहले आपको मालूम होगा कि शहडोल में उसके विकास दुबे के रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में लिया था, यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया था, हालांकि उससे बहुत कुछ राज उगलवा नहीं पाई है एसटीएफ। अब एसटीएफ के निशाने पे वो 15 बदमाश है मध्य प्रदेश के, जो कहीं ना कहीं विकास दुबे से जुड़े हुए थे, कनेक्शन है उनका और संपर्क था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हत्याकांड पुलिसकर्मियों को मारने के बाद विकास दुबे का इन लोगों से संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है। इन्हीं सब बिंदुओं पर यूपी एसटीएफ जांच कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस उसका सहयोग कर रही है। जी जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इन 15 बदमाशों पर निशाना है पुलिस का, इन 15 बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि इन 15 बदमाशों के तार सीधे विकास दुबे से जुड़े होने का यहां पर दावा किया जा रहा है। यहां पर आशंका है कि इनके तार विकास दुबे से जुड़ सकते हैं, और ये बंसल न्यूज आपको ये जानकारी सबसे पहले दे रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बंसल न्यूज दे रहा है कि एमपी के 15 बदमाशों पर शक है विकास दुबे के कनेक्शन का। ग्वालियर चंबल अंचल के बदमाश हैं। विकास दुबे को लेकर एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है।